तो हेलो गाइस, ये है आपका मेन एंट्री ऑफ गोल्डन टेंपल, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। गोल्डन टेंपल के खूबसूरत दर्शन आप कर पा रहे हैं। तो ये सीढ़ियाँ हैं, वैसे आप सीढ़ियों से नीचे आओगे तो आपको सीधा सामने गोल्डन टेंपल दिख रहा होगा गाइस। तो आप काफ़ी रश है गाइस, आज संडे का दिन तो नहीं है आज, फिर भी लेकिन आज यहाँ पे रश है। तो काफ़ी फॉरेनर भी हमें रास्ते में मिले थे, अंदर भी होंगे अलग अलग कंट्री से, क्योंकि जो हमें अभी मिला था वो स्पेन से थे, उनका पूरा ग्रुप आ रखा था। तो ये है गाइस अंदर का कुछ नज़ारा, तो लोग यहाँ पे अपनी सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। ये है हमारा गोल्डन टेंपल अमृतसर, तो मैं इस पर थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो ये है गोल्डन टेंपल, ये आप देख पा रहे हैं, ये सरोवर है जहाँ पे जिसका वाटर को काफ़ी होली माना जाता है। तो ये है एक इसका 360 व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा सा है, काफ़ी ज़्यादा रश है और काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं। तो हम आपको अभी दिखाते हैं कि परिक्रमा किसे कहते हैं। परिक्रमा बेसिकली, अब ये समझ लो कि आप अगर जो अंदर जो हमारा मेन जगह है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखा हुआ है, उसके आसपास अगर आप एक पूरा राउंड लगा लेते हो, चक्कर लगा लेते हो, तो उसको परिक्रमा बोला जाता है। जो कि आपको इस पर चलना, ये आपकी मर्ज़ी, आप इस पर भी चल सकते हो और ये बाहर पत्थर पे भी चल सकते हो। ये इसलिए रखा गया है गाइस क्योंकि गर्मियों में पत्थर काफ़ी हीटेड हो जाता है, तो उससे पैरों को बचाने के लिए ये बिछाया जाता है और इस पर बार बार पानी भी छिड़का जाता है, जिससे कि आप जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके पैर ना जलें। और गाइस इस गोल्डन टेंपल की एक मैं और ख़ास बात बताना चाहूँगा, इसके चार दरवाजे हैं। तो ये चार दरवाजे जो थे, ये गुरुजी ने इसलिए रखे थे ताकि यहाँ पे कोई भी मजहब, कोई भी धर्म का बंदा आ सके। तो ये जो चार थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों धर्मों को ध्यान में रखते हुए इसके चार दरवाजे रखे गए थे। और परिक्रमा के चारों कोनों पे, जो चार कोने हैं परिक्रमा के, उसमें आपको जल जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे आके आप कभी भी ये मत बोलिएगा कि हमें पानी पीना है, क्योंकि यहाँ पे इसको जल बोला जाता है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अभी हम चल रहे हैं तो हम भी जल पीते हैं। तो यहाँ पे बड़े प्यार से जल पिलाया जाता है और यहाँ पे LED में आपको एक मंत्र वगैरह भी देखने को मिलता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिवनेस आएगी, पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी आती है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग देखिए आप कितने प्यार से पानी पिला रहे हैं, तो वो देखिए बच्चे भी पानी पी रहे हैं। तो बड़े प्यार से यहाँ पे सर्व किया जाता है और कभी भी आपको गुस्से में नहीं बोला जाता, चाहे आप जितनी बार मर्जी पिए। अगर हम बात करें किसी बाहर मेट्रो सिटी की, वहाँ पे आपको भी पता है कि पानी पैसे में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री सेवा मिलती है। और ये यहाँ के कुछ सरोवर का नज़ारा, तो ये सरोवर है, यहाँ पे मछलियाँ भी काफ़ी हैं, लेकिन मछलियों को दाना डालने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो सरोवर का होली वाटर है वो थोड़ा दूषित हो जाता है, तो उसकी सफाई के लिए काफ़ी खर्चा आता है। तो इसलिए यहाँ पे मछलियों को कोई भी खाना खिलाने की परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बाकी पूरे एरिया को छोड़ के बस यहीं पे लोग नहा रहे हैं, तो इसको हम स्नान बोलते हैं, स्नान। इसको आप कभी भी आइएगा तो ये मत बोलिएगा कि इसको नहाना है, ये होता है स्नान, ठीक है गाइस। तो ये हमारा यहीं पे क्यों लगा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिर्फ मेल हैं, और जो फीमेल हैं उनका अलग से बनाया गया है, जो कि और यहाँ पे भी एक स्टोरी है कि ये जो आप देख पा रहे हो, ये इसको हम दुख भंजनी बेरी बोलते हैं, ये एक बेर का पेड़ है, इसके पीछे भी काफ़ी स्टोरीज हैं गाइस। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो इस जल से नहा लेता है उसको कोई भी दुख, कोई भी रोग वगैरह सारे उसके सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉरनर्स आर हेयर, बात भी करें के देखेंगे इनसे, इतनी इंग्लिश तो हमारी इम्प्रूव हो ही गई है। तो यहाँ पे ये आपको हमने दुख पंजनी बेरी के बारे में बता दिया। तो आगे हम ये जो रास्ता जा रहे हैं ना गाइस, ये जो लेफ्ट को आपको जा रहा है, ये हमारा है लंगर हॉल। तो आप कहीं यहाँ पे आके कभी आप ये मत बोलिएगा मेरे को रोटी दे दो, यहाँ पे प्रसादा बोला जाता है इस चीज़ को, और दोनों हाथों से आपको लेना होता है, एक हाथ करके आप नहीं ले सकते और आपको ज़मीन में बैठ के ही खाना पड़ेगा, आप खड़े होके नहीं खा सकते।
तो ये आपका रास्ता लंगर हॉल दिस साइड लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो ये लंगर की तरफ जा रहा है रास्ता, तो आज हम आपको वहाँ पे भी लेके चलते हैं लंगर हॉल की तरफ। तो यहाँ से भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये इसका दूसरा गेट है गाइस, जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो या एग्जिट कर सकते हो। तो ऐसे चार गेट हैं। तो गाइस अगर वो चार दरवाजे हैं, तो हर एक दरवाजे से अगर एंट्री लेनी है तो आपको पटका भी चाहिए होगा, तो वो आपको मिला हुआ है यहाँ पे, आपको पटका भी मिल जाता है यहीं पे। फिर से आपको ये मिल जाता है अपने पैर धोने के लिए, ताकि आप अपने जो दूषित पैर ना तो वो आप लंगर हॉल में लेके जाएं, और ना वहाँ से आने के बाद वापस गोल्डन टेम्पल के अंदर लेके जाएं। तो यहाँ पे भी आपको बड़े प्यार से खाना खिलाया जाता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबके जो सिर हैं वो कपड़े से ढके हुए हैं, और यहाँ पे आप बिना सर ढके हुए नहीं चल सकते, आपको कोई ना कोई टॉक देगा अगर आपका गलती से हो भी जाता है। तो यहाँ पे ये प्लेट मिलती है, हम भी प्लेट लेंगे। तो प्लेट के बाद आपको ये अलग अंकल खड़े हैं जो एक कटोरी दे रहे हैं, और चम्मच के लिए भी अलग से हमें ये चम्मच मिल गया है। तो इसमें ही हमें लंगर मिलेगा। और ये जो कटोरी है ये आपको सब्जी के लिए नहीं है, ये यहाँ पे आपको इसमें जल मिलेगा पीने को, जो कि आप खाना खाने के बाद जो आप जल पियेंगे वो इसी में से आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे दो हॉल हैं, एक नीचे एक ऊपर है। तो अभी हमें ऊपर भेजा जा रहा है, क्योंकि नीचे वाले में ऑलरेडी लोग खाना खा रहे हैं। तो ये सीढ़ियाँ हैं, तो ये सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं। तो ये प्लेट मिली है, काफ़ी अच्छे से धुली हुई प्लेट है। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हाइजीन का कुछ इशू होगा, अच्छे से पूरी साफ़ सफाई के साथ यहाँ पे खाना बनता है और खिलाया जाता है। आप खुद ही अंदर जाके लंगर हॉल को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो अभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो ये अभी कुछ बन रहा है एरिया, यहाँ का एरिया कुछ अभी बनाया जा रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा चलना है। और यहाँ पे पंखे भी लगे हुए हैं जो काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहे हैं लोगों के लिए। गर्मियों में यहाँ पे गाइस बहुत रश रहता है, तो इसलिए किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे पंखे भी लगाए गए हैं लोगों के लिए। तो अभी हॉल में एंट्री करने जा रहे हैं हम, वो देखिए गाइस कितना रश है यहाँ पे भी, लोग अभी खा के निकल रहे हैं। तो जब तक सारे लोग खा नहीं लेते तब तक अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं कि कब लोग यहाँ पे अपना खाना खाएं, और उसके बाद हम आपको दिखाएं कि भाई अंदर कैसा व्यू रहता है। ये देखिए रश बढ़ता ही जा रहा है, तो अभी देखते हैं कितना रश बढ़ता है। तो लगता है कि रश यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, तो टाइम लगेगा। तो आप ये वीडियो यहीं तक देखिए, उसके बाद आपको अगली वीडियो में डाल दूंगा मैं आपको अगला व्यू। ठीक है गाइस, धन्यवाद।